नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं री रिव्यू से अंश लता। आज हम बात करने वाले हैं यूथ आइकॉन सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। देखते हैं पब्लिक उसके बारे में क्या सोचती है। आइए मेरे साथ। क्योंकि उसकी एक्टिंग जो है ना लोगों को बहुत पसंद है, जो धोनी पिक्चर, छिछोरा फिल्म। तो खेलिए, खाली अवार्ड के पीछे मत भागो। दुनिया इतना बड़ी, इतनी बड़ी फैन है, वही आपके लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। उसको स्ट्रांग होना चाहिए था, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग बंदा था, बट जो भी किया वो बहुत सैड है। मुझे लगता है वो काफ़ी अच्छे एक्टर थे, काफ़ी सुलझे हुए थे, और उनके चेहरे पे जो चमक थी ना, तो ऐसा किसी को भी बिलीव ही नहीं होता कि वो आफ्टर उसका चॉइस था। ये मे बी वो डिप्रेशन में था या मीडिया जैसे बता रही है। आपका नाम? प्रिशिता पाल। आप कहाँ से हैं? गोरेगा। सुशांत सिंह राजपूत को जानते हैं आप? यस। कैसे? फैन है उनके। सुशांत सिंह राजपूत ने जो सुसाइड कर लिया, आप उसके बारे क्या बोलना चाहेंगे? नहीं करना चाहिए था, मीन्स उनको फेस करना चाहिए था, बताना चाहिए था सबको कि कैसा होता है बॉलीवुड को, बॉलीवुड को रिवील करना चाहिए था। सुसाइड नहीं था ऑप्शन एक, बट हमें पता नहीं क्या क्या गुजर रहे थे, तो वी कांट इवन से इज रॉन्ग। सुशांत सिंह राजपूत ने बहुत सारे मूवीज़ किए, उनमें से एक मूवी जो आपको बहुत पसंद आया और आपको लगता है उसके अवार्ड नहीं मिला? MS धोनी, क्योंकि मैं गई थी धोनी का फैन बन के, पर आई हूँ तो सुशांत सिंह का फैन बन के आ गई थी मैं। अच्छा लगा उसका एक्टिंग? बहुत इमोशनल था। हाँ, पर मेरे को लग नहीं रहा था कि धोनी एक्टिंग कर, सुशांत सिंह एक्टिंग कर रहे, मेरे को लगा धोनी एक्टिंग करते कहीं। आपका नाम? मेरा नाम सर शुभ नाम शैलेंद्र कुमार पाल सर। कहाँ से आप? मैं सर जौनपुर से बिलोंग करता हूँ। सुशांत सिंह राजपूत को जानते हैं आप? जी सर। कैसे? बहुत अच्छे सर। कैसे? ये मूवी देखा सर, MS धोनी। अच्छा, आपने MS धोनी मूवी देखी है? कैसा लगा? बहुत ही अच्छा सर। उन्होंने जो सुसाइड किया उसके बारे क्या बोलना चाहिए? सुसाइड के बारे में सर, ऐसे आज भी कोई आत्महत्या नहीं करेगा, कोई वजह होगी सर, इसमें मुझे भी तो नहीं पता कि कुछ जरूर कारण से आदमी परेशान होकर ऐसा करता है कदम। आपको लगता है करना नहीं चाहिए था? ऐसा नहीं करना चाहिए था। लड़ना चाहिए था? लड़ना चाहिए, संघर्ष ही जीवन है सर। आपका नाम? सर मेरा नाम खालिद सिद्दीकी है, मैं चारकोप गणेश नगर में रहता हूँ। मुंबई से आप? हाँ यस सर, मुंबई से। सुशांत सिंह राजपूत ने जो सुसाइड कर लिया, आप उसके बारे क्या बोलना चाहेंगे? सर पहले तो मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, क्योंकि एक बेहतरीन एक्टर था जो हमारे बीच में नहीं रहा, हमारे युवाओं की धड़कन बनकर उभर रहा था। अब ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि क्या है, किस लिए उन्होंने किया, लेकिन सरकार उनकी जांच कर रही है। लेकिन इस चीज़ का मुझे बहुत अफसोस है कि इतना अच्छा एक्टर ऐसा क्यों कर सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि दोबारा जो युवाएँ हैं, जो आगे चलने वाले और भी आर्टिस्ट हैं, कभी ऐसी गलती ना करें। और आने वाले समय में मैं तो चाहता था कि सभी को पीछे छोड़ के वो युवा स्टार सुपर स्टार बन के लिए उभरता। सुशांत सिंह राजपूत यूथ आइकॉन थे, आपको लगता है कि अगर वो रहते हैं तो क्या नेक्स्ट शाहरुख खान बन सकते थे? ऑफकोर्स, उसमें कोई डाउट नहीं, ऑफकोर्स वो बन क्या सकते, बन जाते। दो चार मूवीज उनकी बड़ी बड़ी आने वाली थी, वो सबको पीछे छोड़ सकते थे। आपका नाम? नम्रता थनिक। आप कहाँ से मैम? मुंबई से हूँ। सुशांत सिंह राजपूत को जानते हैं आप? हाँ हाँ बिल्कुल, काफ़ी अच्छे और हैंडसम और ये एक्टर थे, मेरे फेवरेट थे। पवित्र रिश्ता से मैं उनकी फ़ैन हो गई थी, मुझे अच्छा लगता था, सीरियल करते थे पहले। जी हाँ। सुशांत सिंह राजपूत ने जो सुसाइड किया, आप उसके बारे क्या बोलना चाहेंगे? देखो उसके बारे में मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अभी जो मीडिया में खबर आ रही है, पता नहीं वो सच भी हो या झूठ भी हो, उसके बारे में तो अपन नहीं बोल सकते, लेकिन जिस तरह से यदि मीडिया की खबर को लेकर देखा जाए, तो वो जिस तरह से वो डिप्रेशन में आ गए थे, तो हो सकता है ये उसकी वजह रही हो। और फिर ऊपर से वो अकेले भी रहते थे, उनके साथ उनकी कोई फैमिली वगैरह भी, काश उनके मम्मी पापा या भाई बहन वगैरह कोई रहते तो शायद वो उनका ध्यान डाइवर्ट हो जाता था, और वो उनको ब्रेन वॉश भी कर सकते थे कि नहीं भाई ज़िंदगी है, इसमें उतार चढ़ाव आते हैं और आप इस चीज़ को इतना ज़्यादा मत लो। और आप इतने टैलेंटेड हो, तो आपको एक जगह से आपको यदि बैन कर दिया है, तो एक टैलेंटेड इंसान के लिए कई रास्ते खुले होते हैं। और वो काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी भी बन गए थे, और काफ़ी उनमें जो एक एक्टर के लिए जो मटेरियल होना चाहिए था उनकी पर्सनैलिटी में, उनकी एक्टिंग में और उनके नेचर में, तो वो एक अच्छे से एक्टर बन सकते थे। आपको लगता है उनको पेशेंस रखना चाहिए था? यस, उनको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए था, और इस चीज़ के लिए उनके फैमिली वालों को ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए था। फैमिली का सपोर्ट बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। देखो दोस्त लोग सब अपनी अपनी अलग थिंकिंग रखते हैं, वो थोड़े टाइम के लिए रहते हैं, बाद में अपने इसमें चले भी जाते हैं, लेकिन फैमिली हमेशा बंधे रहते हैं। तो काश उनके पापा उनके साथ रहते हैं, तो वो ब्रेन वॉश करते हैं। और इसमें जो अपने बड़े लोग होते हैं ना, वो बहुत ब्रेन वॉश करते हैं, क्योंकि ऐसी बात नहीं, वही मैं भी कई बार डिप्रेशन का शिकार हुई हूँ, लेकिन मेरे पापा ने मेरे को बहुत अच्छे से संभाला है। मैं भी कई बार, मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फेल्यूर टाइम देखा हुआ है,
जैसे मेरा एयर होस्टेस नहीं बनना, डॉक्टर नहीं बनना, पुलिस इंस्पेक्टर नहीं बनना, तो मैं खूब डिप्रेशन में आ गई थी। मेरे पापा ने समझा, नहीं बेटा कोई बात नहीं, आपका पुलिस लाइन में नहीं हुआ कोई बात नहीं, आपकी सारी जिंदगी चोर उचक्कों के साथ जाती, आपको अच्छा ये करो। तो मेरे को एकदम दिमाग में आया कि हाँ भाई ठीक है। मेडिकल में नहीं हुआ था तो मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। पापा ने बोला, नहीं बेटा ऐसा नहीं, आप दूसरी जगह ट्राई करो, आपकी सारी जिंदगी बीमार दुखियों में चली जाती। तो ऐसा बड़े लोग क्या होते हैं कि ऐसा पॉइंट वाली बात डाल देते ना कि बच्चे के दिमाग में से वो डिप्रेशन निकल जाता है और वो इमीडिएट दूसरी लाइन में अपना करियर के लिए जुझारू हो जाता है। अवार्ड के पीछे नहीं भागना चाहिए था उनको, ठीक है, उनके उनको इतना कॉन्फिडेंस, उनको क्या देखने वाले पब्लिक को ज़्यादा, जो उनके फैन थे ना उनको ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि वो एक जो टॉप के लेवल के जो एक्टर होते हैं ना उनको बराबर वो ये कर रहे थे, बराबरी पे आ रहे थे। तो खेलिए, खाली अवार्ड के पीछे मत भागो, दुनिया इतना बड़ी, इतनी बड़ी फैन है, वही आपके लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। आप कहाँ फिल्म फेयर के बारे में भाग रहे हो, तो एक छोटा सा वो मूर्ति दे देगी, लेकिन इतने लोग आज ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको जान रहे हैं, उनको दुख है, ये उनके लिए सबसे बड़ा अवार्ड, क्योंकि उन्होंने इतनी पहचान बना ली थी। आपको लगता है जो सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया उसके लिए आपको दुख लग रहा है? मेरे को तो दुख लगेगा ही सही, क्योंकि एक इतना अच्छा उगता हुआ सूरज अचानक डूब जाए, पूरे अपनी चरम सीमा पे पहुंचे बगैर, चरम सीमा पे पहुंच ही गए थे वो, तो वो दुख तो है ही। सुशांत सिंह राजपूत जो यूथ आइकॉन थे, जिस तरह मूवीज कर रहे थे, आपको लगता है कि अगर वो रहते तो वो नेक्स्ट शाहरुख खान बन सकते थे? 101%, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी में, उनके एक्टिंग में वो मटेरियल था, बिल्कुल बन सकते थे वो। हाँ बताइए। सलमान नाम है भाई। कहाँ से आप? मैं मुंबई से। अच्छा, सुशांत सिंह को पहचानते हैं आप? हाँ पहचानता हूँ। सुशांत सिंह राजपूत के ऐसा कोई मूवी जो आपको बहुत पसंद आया? उनकी मूवी मेरे को अच्छा लगा था धोनी, उसके बाद में उससे अच्छा लगा छिछोरी मूवी आई थी उनकी, थोड़ा मज़ा आया था उसमें देखने में, टाइम पास मूवी थी। इन्जॉय किया था? बहुत बहुत इन्जॉय किया था, बहुत मज़ा आया था भाई। आपका क्या लगता है कि वो मूवी, उसको अवार्ड मिलना चाहिए था? अवार्ड तो बनता है ये बंदे का भाई, बंदे ने काम भी ऐसा करके दिखाया, एक नया लड़का नौजवान लड़की के लिए बेस्ट अवार्ड तो होना ही चाहिए। एकदम सही बोल रहे हैं आप। मैं भी एक्चुअली, मुझे भी बहुत पसंद है सुशांत सिंह राजपूत। अच्छा, आपको क्या लगता है सुशांत सिंह राजपूत जिस तरह वो तरक्की कर रहा था, ठीक है, तो उसकी जो मूवी जैसे हिट हो रही थी, क्या आपको लग रहा था वो नेक्स्ट शाहरुख खान हो सकता था? आने वाले समय में बंदे का नाम होना चाहिए था भाई, क्योंकि जिस हिसाब से उसकी लोगों मार्केट हो रहा था, लोगों ने उसके नाम देखने में इतना एंसम है रिक्ची, तो उस हिसाब से उसको लोगों को बहुत पसंद है, मैं भी बहुत लाइक करता था मतलब। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है शेख। बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं वो जो एक्टर है उनकी बहुत तारीफ़ करता हूँ कि बहुत कम उम्र के अंदर, यानी बहुत आदमी ने बहुत नाम कमाया, उसको अवार्ड मिलना ही चाहिए, वो इंसान को बहुत अच्छा काम किया। मतलब आप ये बोलना चाह रहे कि अगर वो जिंदा रहता तो आने वाले दिन में नेक्स्ट शाहरुख खान बन सकता था? बन भी सकता है, क्योंकि उसकी एक्टिंग जो ना लोगों को बहुत पसंद है, जो धोनी पिक्चर, छिछोरा फिल्म, ये जो दो पिक्चर उसकी देख के लोग और खुश हो गए, और ये जो इसने सुसाइड किया बेचारे ने, पता नहीं क्या उसके समझ में आया नहीं मालूम, लेकिन बहुत अच्छा एक्टर था वो, क्योंकि हमने धोनी पिक्चर देखे और उसके बाद में अभी जो छिछोरा फिल्म चल रही वो देख के, टीवी पे देख रहे उनकी मूवीज़ बहुत अच्छी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि ये बंदा जो है ना दुनिया से गया नहीं है, सही बता रहा हूँ, ऐसा लग रहा है वो। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में सुने होंगे? हाँ सर सुना हूँ, बहुत अच्छे आदमी थे। और पहली बात तो उनको मैं श्रद्धांजलि दिल से देना चाहता हूँ, और हमारे बहुत बड़े एक्टर वो निकलते, लेकिन ऐसा उन्होंने क्यों किया, दुख बहुत है, जो मतलब इस दुनिया से चले गए, बहुत तकलीफ। मैम आपका नाम बताइए। नमस्कार सर, मेरा नाम संगीता सिंह है। आप कहाँ से मैम? मैं मुंबई कांदीवली मालाड से हूँ। अच्छा मैम, आपने सुशांत सिंह राजपूत के कोई फिल्म देखे होंगे जो आपको बहुत फेवरेट हो और जो जिसमें अवार्ड नहीं मिला होगा? हाँ, उनकी मैंने फिल्म देखी थी गाय पोछे, जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बट इट्स रियली सैड कि उनको उसमें अवार्ड नहीं मिला। क्या आपने धोनी फिल्म देखी? जी हाँ, वो भी देखी है मैंने उनकी, वो भी बहुत अच्छी फिल्म थी, उस पर भी उनको अवार्ड मिलना चाहिए था बट नहीं मिला, विच इज़ रियली वेरी सैड, ऐसा मैं सोचती हूँ। हम लोग हम सब भी वही सोचते हैं। बाय द वे, सुशांत सिंह राजपूत ने जो सुसाइड कर लिया उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? उसके बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगी कि उस बंदे ने जो भी किया वो उसको नहीं करना चाहिए था, बिकॉज जो भी रीज़न होगा उसके पीछे वो तो हम अभी तक नहीं जानते हैं, बट उसको स्ट्रांग होना चाहिए था, कि वो बहुत स्ट्रांग बंदा था, बट जो भी किया वो बहुत सैड है, बस इतना ही कहना है, और तो मैं कुछ नहीं कहना चाहती। जो भी रीज़न होगा वो धीरे धीरे बाहर आ ही जाएगा, पता ही चल जाएगा कि हु इज़ इन्वॉल्व या हु इज़ नॉट इन्वॉल्व इन दैट, बट आई फील कि फिल्म इंडस्ट्री में नए लोगों को चांस देना चाहिए, उनको डीमोटिवेट मत कीजिए, मोटिवेट कीजिए, दैट इज़ व्हाट आई एग्जैक्टली, हम भी यही सोचते हैं। मैम जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत ने बहुत अच्छे अच्छे मूवी की है, तो आपको लगता है कि वो नेक्स्ट शाहरुख खान बन सकता था?
आई थिंक बेटर देन शाहरुख खान। वो शायद शाहरुख खान से भी ज़्यादा अच्छे बन सकते थे, क्योंकि शाहरुख खान का समय अब निकल रहा है, अब नए लोगों को इंडस्ट्री में आने का मौका देना चाहिए, ऐसा मैं सोचती हूँ, ये मेरी पर्सनल सोच है। आपका नाम बताइए। अक्षता रानौड़े। अच्छा, आप कहाँ से? मुंबई से। सुशांत सिंह राजपूत ने जो सुसाइड कर लिया, आप उसके बारे क्या बोलना चाहेंगे? आफ्टर ऑल उसका चॉइस था ये, मे बी वो डिप्रेशन में था या मीडिया जैसे बता रही है, फाइनली वो उसका चॉइस था टू एंड ऑफ हिज लाइफ। अगर वो रहता तो शायद बहुत कुछ कर सकता था इंडस्ट्री में, बट स्टिल दैट वॉज हिज चॉइस। फोर्सफुली हुआ या मतलब वो किस एंगल से हुआ अभी तक उसका कुछ रीज़न पता नहीं चला, बट फाइनली इट वॉज हिज चॉइस टू एंड ऑफ हिज लाइफ। सुशांत सिंह राजपूत ने बहुत सारे मूवीज़ किए, ऐसा कोई मूवी जो आपको बहुत अच्छा लगा लेकिन अवार्ड नहीं मिला हो? छिछोरे, दैट वॉज अ बेस्ट मूवी एक्चुअली। उसका कुछ कॉन्टेंट ही कम्प्लीटली अलग था। नॉर्मली हमेशा हीरो एक गुड मैसेज, और उसमें भी एक बोलते हैं ना यूथ के लिए एक बहुत बेटर मैसेज दिया था कि एंड द स्ट्रेंज एंड सरप्राइजिंग थिंग, उसने ही उस पर सुसाइड के रिलेटेड टू मैसेज दिया था, एंड सडनली ये उसके साथ ही हो रहा है, दैट वॉज कम्प्लीटली शॉकिंग। सो आई थिंक छिछोरे वॉज द बेस्ट मूवी। सुशांत सिंह राजपूत को लोग यूथ आइकॉन बोल रहे थे, तो आपको लगता है कि वो अगर जिंदा रहे तो कि वो नेक शाहरुख खान हो सकता था? आई डोंट थिंक सो नेक शाहरुख खान, बट येस टू नेक वो परफेक्टली सुशांत सिंह की है। आई डोंट थिंक उसको शाहरुख खान के साथ कंपेयर करना चाहिए, बिकॉज उसकी एक अलग पहचान बना सकता था वो। अगेन शाहरुख खान इज समथिंग अ किंग ऑफ रोमांस, आई थिंक सुशांत सिंह वो उसका एक अलग प्लेटफॉर्म मतलब एक अलग पहचान बन सकते थे। आप बोलना चाहते वो सुपरस्टार तो बन सकता था? वो सुपरस्टार बन सकता है, बट वी कांट से कि वो नेक्स्ट शाहरुख खान, बिकॉज वो उसका एक अलग पहचान बनता। आपका नाम? जावेद। कहाँ से आप? यहीं से, मुंबई से। सुशांत सिंह राजपूत को आप जानते हैं? हाँ। सुशांत सिंह राजपूत ने जो सुसाइड कर लिया, आप उसके बारे क्या बोलना चाहेंगे? ये बहुत गलत था ना भाई, ये सब एकदम गलत था। इतना अच्छा आर्टिस्ट बेचारा सुसाइड कर लिया, कुछ तो रीज़न होगा ना। ये है सुशांत सिंह राजपूत ने जो सुसाइड कर लिया, उसके बारे आप क्या बोलना चाहेंगे? उसके बारे में बोलना चाहिए उसने गलत किया, आत्महत्या नहीं करना चाहिए। सही है गलत है? फांसी लगाना ये भी गुनाह है ना अपने आप से। ये नहीं खाने के लिए ना, लॉकडाउन था खाने के लिए नहीं था, उतना प्रॉपर्टी था उनके पास, उनको आत्महत्या भी नहीं करना चाहिए। गलत बोलता हूँ सर। तो दोस्तों ये रहा पब्लिक का रिव्यू, पब्लिक क्या सोचती है सुशांत सिंह राजपूत के बारे में आपने देखा है। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। And stay with us.